नमस्कार भाइयों, आज के क्लास में हम लोग परसेंटेज का कुछ महत्वपूर्ण चीज़ जानने जा रहे हैं। इसमें यह चीज़ जानेंगे कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदले और भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदले, इस दो टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। और ये जो परसेंटेज है, अगर परसेंटेज आप जान गए तो काम और समय, दूरी और चाल, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, लाभ हानि, SI CI जितना भी क्वेश्चन होता है, अगर आप परसेंटेज से बनाते हैं तो वो क्वेश्चन बहुत जल्दी बनता है। तो चलिए हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है प्रतिशत से भिन्न में बदले, ठीक। तो प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, अगर दे दिया मान लीजिए 25%, क्या लिख दिया 25%, और इसको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो हम बता चुके हैं कि प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो क्या लिखेंगे, 25 का 25 लिख देंगे और 100 से भाग कर देंगे। 100 से भाग कीजिएगा तो कितना आ गया, 25 चौके 100, 1/4, ये आपका क्या हो गया, भिन्न हो गया। प्रतिशत से भिन्न बदलना है, तो प्रतिशत से भिन्न बदलने के लिए हम बताए हैं कि 100 से भाग करना है। तो 25% लिखा है तो क्या करेंगे, 100 से इसमें भाग कर देंगे। 100 से भाग किए तो कितना आ गया मेरा, 1/4। मान लीजिए अगर दे दे 5% और पूछे कि इसको भिन्न में बदलिए तो क्या करेंगे, 5/100 कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/20 हो गया। अगर दे दे आपका 30% लिख दे और पूछे इसको क्या करना है, भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे, 30/100, तो क्या हो जाएगा, 3/10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। मेन इसका यही ट्रिक है कि प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। अगर पूर्णांक में दे तब भी क्या करना है, पूर्णांक में लिख दे 6/2/3 प्रतिशत, और इसको क्या बोल रहा है कि भिन्न में बदलना है। भिन्न का मतलब होगा P/Q, यानी बटा के रूप में बदलना है। तो क्या करेंगे, 36/18 2 20/3 लिख देंगे और प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो 100 लिख देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कट दें, 2 5 10, तो कितना आ गया, 1/5 15, ठीक। हम अभी हम लोग सीखेंगे प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदले, तो ये हो गया, ठीक। अब बताने जा रहे हैं भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदले। मान लीजिए 1/4 आ गया, तो इसको अब प्रतिशत में बदलेंगे तो 25% आना चाहिए कि नहीं मेरा। तो अब सीखेंगे हम लोग कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदले। जो भी भाई मेरे चैनल पर नए हैं, एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर हम मैथ और रीजनिंग का शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ाते हैं। और प्रतिशत का जो भी भाई मेरा वीडियो, पिछला वीडियो नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल चुके हैं, उनको जरूर देखिएगा। चलिए अब दिखाते हैं कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, इसी क्वेश्चन को बता रहे हैं। अगर लिख दे कि 1/4 और पूछे कि इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, अभी हम बताए हैं कि प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो 1/4 × 100 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 25%। देखिए दोनों बराबर आ गया कि नहीं, प्रतिशत से भिन्न बदले तो 1/4 आया और 1/4 को प्रतिशत में बदले तो 25% आ गया। इससे एक और समझिए, जैसे 1/4 का मान मेरा कितना आ गया, 25% आ गया, तो फिर पूछेगा 3/4 को प्रतिशत में बदलना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। 3/4 को हम 3 × 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, 3/4 को 1/4 लिख सकते हैं, तो 1/4 का मान मेरा कितना आ रहा है, 25% आ रहा है, तो 3 × 25 यानी कि कितना हो गया मेरा, 75%। एकदम समझ में, ऐसा कोई भी दे बन सकता है। अगर प्रतिशत में मान लीजिए दे दिया 1/20, भिन्न में 1/20 लिख दिया और बोला कि इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या बोले हैं कि 100 से गुना करना है, 1/20 × 100, 20 5 100, 5% आ गया कि नहीं आपका, 5% आ गया। देखिए यहाँ पर भी 5% है। अगर यहीं पर लिख दे 7/20 को प्रतिशत में बदले, तो देखने में तो आपको बहुत हार्ड लग रहा है कि 7/20 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, लेकिन देखिए सबसे आसान है। इसको क्या करेंगे, 7 को हम 7 × 1/20 लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं, एकदम आराम से समझना है, कोई तेजी नहीं है। 1/20 को हम क्या लिख सकते हैं, 5% लिख सकते हैं कि नहीं, तो 7 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, 35% हो गया।
अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन दे दे कि एक बटा दो को प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या बताएं, 1/2 × 100 से गुना कर देना है, तो कितना हो जाएगा मेरा 50% हो जाएगा। ठीक, अगर फिर इसी में अगर आपसे पूछ दे मतलब कितना हो गया मेरा 50%, अगर ऐसा ही लिख दे कि 1/5, ठीक 1/5 को प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे 1/5 × 100 तो कितना हो जाएगा मेरा 20% हो गया। दम आराम आराम से समझना है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, 20% हो गया। तो फिर आपसे पूछ दे 3/5 को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, तो लिख देंगे 3 × 3 × 1/5, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। जब 3 × 1/5 इसको लिख दिए तो 1/5 का मान मेरा 20 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 × 20 तो कितना हो जाए 20 × 3 = 60% हो गया। अगर क्वेश्चन क्या लिखा है, हम लोग वो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं जो बच्चा सबको बहुत प्रॉब्लम होता है, वो मैट्रिक में तो नंबर ला लेता है 320 नंबर 40 नंबर, लेकिन उससे बोला जाए कि कितना परसेंट नंबर आया तो परसेंटेज तक नहीं निकाल पाता है, लेकिन हम चुटकियों में बताएंगे कि कैसे परसेंटेज निकालना है। पहला क्वेश्चन लिखा है कि रवि परीक्षा में 500 में 320 अंक लाया, मतलब 500 नंबर का पेपर हुआ उसका, उसमें से 320 नंबर लाया, तो उसने कितना प्रतिशत नंबर लाया, दम आसान से समझिए कितना नंबर लाया है, 320 नंबर लाया, तो 320 को ऊपर लिख देंगे, ठीक बटा कर देंगे, जो भी नंबर लाएगा उसको ऊपर लिखेंगे 320, कितना का पेपर हुआ 500 का हुआ, तो 500 लिख देंगे। ठीक, और इसमें हम बता चुके हैं कि भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, तथा प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग, तो यहाँ मेरा भिन्न में दिया है, अंक में दिया है, प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, दम आसान है। फिर से एक बार समझिए, लिखा है रवि परीक्षा में 500 में 320 अंक लाया, मतलब 500 नंबर का पेपर हुआ और 320 नंबर लाया, तो कितना प्रतिशत नंबर लाया, तो कितना नंबर लाया, जो नंबर लाया है उसको ऊपर लिखेंगे 320, जितना का पेपर हुआ उसको नीचे लिख देंगे, और अंक से प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। यहाँ कटा दीजिए, अब 2 0 से 2 0 कट गया, अब 5 से इसको काट दीजिए, 5 × 6 = 30 × 5 = 20, 64% नंबर आया। समझ में अगर आया है तो मेरा चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए लिखा है कि रवि परीक्षा में 500 में 320 अंक लाया, तो कितना प्रतिशत अंक लाया, जो लाया है उसको ऊपर लिखेंगे, जितना का पेपर हुआ उसको नीचे लिख देंगे, 100 से गुना कर देंगे, 64% आ गया मार्क्स। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है मोहित परीक्षा में 720 नंबर लाया, जो कि 60% है, एक परीक्षा में मोहित ने 60% नंबर लाया जो 720 नंबर है, तो टोटल कितने नंबर का वो पेपर दिया था वो निकालना, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो जो लाया है उसको लिखेंगे, कितना परसेंट लाया है 60%, 60% का मान कितना लाया है 720 नंबर। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है 100% होता है, आप भी कितने हैं 100% है, हम भी अपने आप में 100% है, तो इसलिए 100% बराबर निकाल देंगे, पेपर कितना परसेंट का होता है 100% का होता है, 100% बराबर 720/60 × 100, 0 से 0 ये हो जाएगा 12, मतलब 1200 नंबर का पेपर हुआ। फिर से एक बार समझिए, लिखा है कि मोहित परीक्षा में 720 अंक लाया जो 60% है, तो कुल कितने नंबर का पेपर हुआ, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 60% लाया है तो 60% लिख देंगे, कितना नंबर लाया उसको लिख देंगे, और कोई भी चीज़ 100% होता है 100% निकाल दीजिएगा, ये आपका आंसर आ गया।